मेरे तो क्लोज में भी हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं इसकी क्या हालत है। जस्ट 40 किलोमीटर 1 आवर। बहुत बढ़िया जगह है गाइस, यू कैन कम हियर। बस थोड़ा ऑफ रोडिंग करके अंदर आना पड़ता है, रिस्की है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, दिस इज प्रिंस और हम आज फिर एक न्यू व्लॉग के साथ। सुबह के 4 बजे उठने का मजा ही अलग है यार। जय बजरंगबली। वाओ क्या लाइटिंग दी गई है। ये है खरगा टेंपल अपने नगरतपेट का। सो आज का लोकेशन है मुनि नगरा डैम, विच इज अराउंड 33-35 किलोमीटर फ्रॉम हियर, मतलब बेंगलोर से, सेंट्रल बेंगलोर। सो हम जा रहे हैं पहले टूवर्ड जयनगर, जयनगर के बाद हमको मिलेगा कनकपुरा रोड। कनकपुरा रोड पे कंटिन्यू करना है और वहाँ पे फ्यू किलोमीटर्स बाद हमको लेना है एक लेफ्ट टर्न। तो हम सीधा मिलते हैं आपको लेफ्ट टर्न पे ही, क्योंकि अंधेरे में कुछ रिकॉर्ड करने का और बात करने का मज़ा आएगा नहीं। स्मॉल ब्रेक फॉर स्नैक्स बिस्किट्स। और यहाँ पे एक बार लोकेशन भी चेक कर लेते हैं। वी हैव रीच एट कनकपुरा रोड, यहाँ से और 9.7 किलोमीटर है, तो आगे 3 किलोमीटर के बाद हमें एक लेना है टर्न। हो नो मैन, इतनी सुबह खारा खारा, लेकिन भाई आज ठंड बहुत है। ठंड कैसी है? मेरे तो ग्लोव्स में भी हाथ कांप रहे हैं, पता नहीं इसकी क्या हालत है। सो लेट्स कंटिन्यू द राइड। ये लो भाई, 3 किलोमीटर के बाद लेफ्ट टर्न है। बहुत आराम आराम से आए हैं हम एंड द टाइम इज 5:40 नाउ। तो लगभग 9 किलोमीटर के लिए अभी हमें आधा घंटा लग सकता है, धीरे धीरे जाएंगे, तब तक उजाला भी हो जाएगा। तो वी आर राइट नाउ अराउंड कगलीपुरा। तो कगलीपुरा से है 9 किलोमीटर्स। लेट्स फ्यूल अप। सो दिस इज द लेफ्ट टर्न। दोस्तों हम पहुंच गए हैं मुनि नगरा डैम के पास। क्या ढूंढ रहे हो? मच्छर ढूंढ रहे हो? इस रास्ते हम आए हैं, वहाँ पे वो जो मंदिर है उसके पीछे मेन रोड जाता है। तो मेन रोड से एक छोटा सा एंट्रेंस मिलता है जहाँ पे थोड़ी ऑफ रोडिंग करके यहाँ पे आना होता है। सो वी केम हियर, बाइक यहाँ पे हो गई पार्क। और ये जो जगह है इसके पीछे जो रियल नज़ारा है, जहाँ ब्यूटीफुल मॉर्निंग, बहुत ही ठंडी मॉर्निंग एक्चुअली लग रहा है, जैसे दिसंबर या जनवरी में आए हैं। और बर्ड्स की आवाज़ आप सुन रहे होंगे एंड दिस अमेजिंग थिंग। वाओ मैन, कंप्लीटली ऑरेंज स्काई हुआ है। लेट्स वॉक टू द पाथ। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये नज़ारा देख के। ज़्यादा दूर भी नहीं है, जस्ट 35-37 किलोमीटर्स। एंड द रूट इज ऑल्सो अमेजिंग। कनकपुरा रोड से जब हमने वो लेफ्ट लिया, उसके बाद एक छोटा सा गांव मिला, गांव के बाद इट्स कम्प्लीटली लाइक, जाते हुए रूट में आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे एक साइड पे फेंस लगाई गई है एंड टुडे बीइंग अ सैटरडे पूरी तरह से खाली है। और ये यहाँ का एक ब्रिज है, फीलिंग अमेजिंग टू वॉक ऑन इट। बहुत ठंड है, इसकी वजह से शायद मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही है। वाओ मैन,
देखो यार, 5 मिनट में कलर चेंज हो गया। जब एग्जैक्टली यहाँ पे आए थे इट वॉज फुली ऑरेंज और अब नॉर्मल हो चुका है, तो वो एक वेलकम था शायद हमारे लिए। तो ये हो चुका है फर्स्ट ब्रिज और वहाँ पे थोड़ी दूर हमें एक और ब्रिज दिख रहा है, लेट्स वॉक टूवर्ड्स दैट, वहाँ पे भी चल के देखते हैं। अगर आप बढ़िया सा कुछ मोमेंट स्पेंड करना चाहते हो तो यहाँ पे आ सकते हो, यू कैन स्पेंड सम फ्यू आवर्स। एंड टुडे बीइंग अ सैटरडे यहाँ पे 1% भी नहीं है, सिर्फ हम दोनों हैं। अगर शायद कल आते संडे के दिन तो थोड़ी बहुत पब्लिक मिलती। बढ़िया नज़ारे एंड द क्लाइमेट, स्पेशली अर्ली मॉर्निंग का जो क्लाइमेट है, जो एनवायरनमेंट है, जो मैं हर वीडियो में कहता हूँ इट्स वर्थ एंजॉइंग। कहीं भी जाओ अर्ली मॉर्निंग यू विल फील फैबुलस। जब वो नौटंकी कर रहा है, ये है यहाँ का सेकंड ब्रिज टू द अदर एंड। वाओ मैन, वो देखो वहां पे चिड़िया, बस नेचर को एंजॉय करना है यार। पूरी तरह से सब कुछ फ्रीज्ड है यहाँ पे, ये जो पूरा मेटल का पीस है। और हाउ आर यू मैन, कैसा लग रहा है, लिटरली टेल मी। बाइक के पीछे तो भाई साहब तो पूरी तरह से फ्रीज हो गए थे मैन। लिटरली यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा है, और बहुत ही ज्यादा है यार। सब तो बहुत ही अच्छा है, मैं रेफर करूंगा आप आओ तो सुबह आओ कोई। और एक अलग बात है ना, मतलब व्हेन यू आर स्टैंडिंग हियर यू फील लाइक आप एक बोट पे हो और आप बोट चल रही है। ये जो पानी यहाँ पे जैसे मूव हो रहा है, यू कैन सी द मूवमेंट। और अंदर बहुत सारी फिशेज है, बहुत सारी फिशेज हमने स्पॉट किए जंप मारती हुई। अब कोई नहीं दिखेगी ऐसे। जब रिकॉर्ड करना चाहो तब नहीं आएगी, ऑफ द कैमरा बहुत कुछ देखा हमने। सो लेट्स से गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस। बहुत बढ़िया जगह है गाइज, यू कैन कम हियर आराम से, आप 1-2 घंटे स्पेंड कर सकते हो इवन विथ योर फ्रेंड्स फैमिली किसी के साथ भी। पर अर्ली मॉर्निंग जैसा मजा बिल्कुल नहीं होगा अगर दिन में आओगे तो। अभी इतनी ठंड है तो पता नहीं दिसंबर में क्या हाल होता होगा। आई होप बाइक इज सेफ। जस्ट 40 किलोमीटर्स, 1 आवर, सूरज चाचू भी निकल चुके हैं एंड द डे हैज स्टार्टेड। टाइम इज 7:14 एंड वी आर लीविंग नाउ। माई लवली प्यारी बीस्ट, है चाबी है। क्लोज फ्रेंड के राइड करने के फायदे तो बहुत है, और ये फायदा भी हुआ कि अनकंट्रोल हो गए। बस थोड़ा ऑफ रोडिंग करके अंदर आना पड़ता है, रिस्की है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। चला जाओ ऊपर। तो अगर आप दो लोग बाइक पे आ रहे हो टू व्हीलर पे, तो आप एक काम कर सकते हो कि एक बंदा रोड पे उतर जाए चल के आए और दूसरा बंदा बाइक पे। दोनों बाइक पे जाओगे तो थोड़ा रिस्की रहेगा क्योंकि बहुत सारे नुकीले पत्थर है। चले ब्रो, क्या बात है, वाओ नाइस यार। Wow, don't miss this. इतना मजेदार रूट है ये, नो वर्ड्स मैन, यू कैन जस्ट देख सकते हो आप इतना क्लीन रोड। और ये जो छोटे छोटे टर्न्स है, फैबुलस। ठंडी हवाएं तो अभी भी बहुत चल रही है यार। यस,
तो यहाँ से हम पकड़ेंगे कनसपुरा रोड के बाद नाइस रोड एंड देन टू होम। तो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी वीडियो एंड द लोकेशन। इट्स काइंड ऑफ ए हिडन जेम इन बैंगलोर, नियर बाय बैंगलोर। बस अगर आपके पास 3-4 घंटे का समय है तो भी आप आके यहाँ पे जा सकते हो। सो डू सपोर्ट, वीडियो पसंद आई, लोकेशन पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर कुछ भी मन में आए कहने के लिए तो कमेंट कर दीजिए, अच्छा बुरा जो भी हो चलेगा। See you guys until next time. Be safe, ride safe, take care, bye bye.